हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी छोटी सी रसोई में स्वागत है। मेरा नाम सरबिला है और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ चीज़ सैंडविच की रेसिपी। लेकिन ये डिफरेंट स्टाइल में है, इसे मैं तवा पे बना रही हूँ। आपको एक और तरीका बताऊँगी जिससे तवा पे आपका सैंडविच ग्रिल जैसा ही बनेगा, बहुत ही अच्छा। मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, देख रहे हैं साइड से चीज़ कितना अच्छा मेल्ट होके बाहर आ रहा है। बहुत ही टेस्टी डिलीशियस क्विक रेसिपी है, झटपट बनने वाली रेसिपी। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, हेल्दी रेसिपी है। जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बनाते हैं सैंडविच। तो इसके लिए मैंने हरी मिर्च लिया है, आधा छोटा चम्मच जीरा लिया है, एक छोटा चम्मच धनिया लिया है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली है। इसे मैंने हल्का सा क्रश कर लिया, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आलू की एक फिलिंग बनाएंगे हमारे सैंडविच के लिए। तो इसके लिए मैंने 1 से 1.5 चम्मच तेल को गर्म कर लिया है और इसमें हम अपने क्रश किए हुए मसाले को डाल देंगे। आप कोई भी तेल का यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे सरसों का तेल का यूज़ किया है। फ्लेम को आप मीडियम रखिएगा, नहीं तो मसाला जल्दी से जल जाएगा। इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे कुछ सेकेंड के लिए। इसके बाद हम इसमें एक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसे भी हल्का सा भून लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, हल्का सा भून लीजिएगा, इससे 2 मिनट लगेगा बस उतना। आप देख सकते हैं हल्का सा प्याज सॉफ्ट हो गया है। इसके बाद मैं इसमें आलू डाल दे रही हूँ। आपका एक मीडियम आलू में 2 सैंडविच बन जाते हैं, तो आपको जितना बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आलू डालिएगा। मैंने यहाँ पे 3 से 4 आलू का यूज़ किया है। इसे भी मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। सभी चीज़ों का लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा छोटा चम्मच ही चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप इसके जगह पर लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं एक बार मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद हम बाकी के मसाले और ऐड करेंगे। तो मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1/4 छोटा चम्मच घर का बना हुआ गर्म मसाला डाल दे रही हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। साथ में मैं 2 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ इसमें पानी, क्योंकि मेरा जो आलू है वो भुरभुरा वाला आलू है, जो फिलिंग के टाइम पे मुझे प्रॉब्लम करेगा, एक दूसरे में ये बंध के नहीं रहती है। तो आप ये टिप यूज़ कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी मिला दें जिससे कि बहुत ही अच्छा इसका फिलिंग बन जाता है। तो आप ये टिप्स को यूज़ कर सकते हैं अगर आपका आलू भुरभुरा वाला है तो। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। हमारा एक बहुत ही अच्छा मसाला बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम अपना बनाएंगे चीज़ की फिलिंग जो 1 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। तो इसके लिए मैंने लिया है कद्दूकस किया हुआ प्रोसेस चीज़, आप मोजरेला चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने लिया है चिली ऑरिगैनो सॉस वीवा का। आप इसमें कितना डालना है वो टोटली अपने अकॉर्डिंग डालें, कितना तीखा पसंद है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सेजवान चटनी का यूज़ करें। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच टमाटो केचप। इसका वीडियो मेरे चैनल पर दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा बनता है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा इसकी फिलिंग बन के रेडी हो जाती है, कितना तीखा पसंद है टोटली आपके ऊपर है। तो अब ये भी बन के रेडी हो गई है। अब हम अपना सैंडविच बनाते हैं फाइनल। तो इसके लिए मैंने 3 ब्रेड लिया है, ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। एक सैंडविच में 3 ब्रेड आपको लगेगा। और इसके ऊपर मैं एक साइड पर बटर लगा दे रही हूँ। ये रूम टेम्परेचर का बटर है इसलिए बड़ी आसानी से लग जाती है। तीनों पर हमें बटर लगा देना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया हरी चटनी। तो मैं 2 ब्रेड पे एक साइड पे हरी चटनी लगा दे रही हूँ। आपको जितना तीखा पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप चटनी बनाएं। इसमें हरी मिर्ची, धनिया, पुदीना, लहसुन और नमक है और साथ में नींबू का रस भी मैंने डाला है। अब मैंने दोनों ब्रेड पे हरी चटनी लगा दिया है। इसके बाद हम इसके ऊपर आलू का मसाला अपना फैलाएंगे जो हमने बना के रखा था। तो इस तरीके से मैं इसे हाथों की सहायता से फैला रही हूँ, आप चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं दूसरा ब्रेड था इस तरीके से मैं इसके ऊपर रख रही हूँ, आप देख रहे हैं। और हम इस पर डालेंगे हमारा चीज़। तो 1 से 1.5 चम्मच चीज़ जाएगा, आप जितना चीज़ डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। आप चाहिए तो 2 ब्रेड का ही बना सकते हैं, आलू के ऊपर आप इस चीज़ को डाल दें या फिर आप स्लाइस वाला चीज़ डालें तो ऊपर से थोड़ी सी चटनी डाल दें। आपके पास जो अवेलेबल है उसी तरीके से बनाए। तो आप देख रहे हैं कि हमारी सैंडविच बनके रेडी है, लेकिन अभी ये पूरा रेडी नहीं है, इसे ग्रिल करना बाकी है। तो अब हम इसे ग्रिल करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक तवा लिया है क्योंकि आज हम गैस पे इसे बनाएंगे। तो इसमें मैंने बटर डाल दिया है, फ्लेम को मैंने लो रखा है अभी गर्म करने के बाद। इस पर मैंने अपने ब्रेड को रख दिया है। यहाँ पर एक तरीका मैं आपके बताऊँगी। तो पहले मैंने प्लेट रखा है, इसके बाद मैं इसके ऊपर कुछ भी आप भारी चीज़ इसके ऊपर रख दें जिससे कि इसका जो आपका सैंडविच जो बनेगा वो बिल्कुल ग्रिल जैसा बनेगा, क्योंकि ग्रिल पे ऊपर से दबाव पड़ती है तब वो सैंडविच एक दूसरे में चिपकी रहती है और अच्छे से पकती है।
इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। और इसे आप ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाएं, नहीं तो चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट नहीं होगा। तो एक साइड से पक गया है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सिकने में। और इसमें मैं थोड़ा सा बटर डाल दे रही हूँ और दूसरे साइड से भी मैं सेक लूँगी सेम प्रोसेस से। इसके ऊपर फिर से मैं प्लेट रखूँगी और कुछ भारी चीज़ आप रख दीजिए जिससे कि दबा रहे, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, तो आपका सैंडविच एकदम बहुत ही अच्छा बनेगा। सेम ग्रिल सैंडविच जैसा ये बनेगा, तो इस तरीके से बनाइए। इस प्रोसेस से बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी बन के निकलता है सैंडविच, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1.5 से 2 मिनट इस सैंडविच को बनने में लगता है। आप देख रहे हैं हल्का सा गोल्डन हो जाता है और ऊपर से थोड़ी क्रिस्पी हो जाती है। देख रहे हैं कितना दबा हुआ है, मतलब कितने अच्छे से बैठ गया है। जैसे ग्रिल में ऊपर से दबाव पड़ती है तो हमारा सैंडविच ऐसे ही बनता है। तो ये बन के रेडी हो गया है। इसी तरीके से दूसरे भी हम रेडी कर लेंगे। तो इसे मैं अब निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद हम इसे एक सर्विंग प्लेट में रखेंगे। इसके बाद आप इसे गर्मा गर्म इंजॉय करें। इसके साथ ज़्यादा कुछ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको चाहिए तो हरी चटनी, टमाटो सॉस या सेजवान चटनी के साथ आप खा सकते हैं। टेस्टी लगता है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही चटपटा है। आप जितना तीखा चाहें बना सकते हैं इसे। इसके बाद मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, तो देख रही इसकी चीज़ कितनी अच्छी मेल्ट हो गई है। ये सैंडविच बहुत ही अच्छी बनती है, तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिए। आप देख रहे हैं किस तरीके से मेल्ट होकर चीज़ गिर रहा है हाथ पे मेरे। तो इसी तरीके से बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन में ऑल बटन को जरूर दबा लें जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।